कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स, वेलकम टू यूजीसी नेट अडा 24/7। आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी, मेरे बैच से बहुत ही ज्यादा। मैं अगर याद भी करूँ तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था मेरे लिए, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज वेरी प्रोएक्टिव इन द क्लास, शी वॉज ऑलवेज आंसरिंग द क्वेश्चन, शी वॉज ऑलवेज आस्किंग हर डाउट्स, शी वॉज वेरी वेरी रेगुलर विद हर स्टडीज। सो इट केम एज नो सरप्राइज टू मी कि अर्चना का जो है इस बार का नेट क्वालिफाई हो गया है। कंग्रेचुलेशंस अर्चना। थैंक यू मैम। तो अर्चना के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में 96.8% लेकर यूजीसी नेट इंग्लिश क्वालिफाई कर लिया है। कहने वाले तो ये कहते हैं कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में नेट पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल है। मैंने भी सेकेंड ही अटेम्प्ट में किया था, लेकिन अर्चना आपने जो कमाल कर दिखाया, सबसे पहले बताइए लक कैसा रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है आपको? बिल्कुल मैम, या लक इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू यू नो एनी काइंड ऑफ सक्सेस। बिकॉज यू नो अगर मेरा सेंटर अगर कोटा में नहीं आता, मैंने सेंटर कोटा में डाला था, और अगर ये सेंटर कोटा में नहीं आता तो मैं भी शायद देने नहीं जाती एग्जाम, क्योंकि मेरा उतना यस मैम मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि एग्जाम एकदम सडन आया था और मैं टारगेटिंग कर रही थी जून अटेम्प्ट। बट जैसे ये तो आपने भी बहुत बोला, कमाल की बात है कि आप मतलब अभी मतलब मान सकते हैं आपने 100% तैयारी तो नहीं हुई थी आपकी, बिल्कुल आप नहीं एक मैम, ट्रायल बिल्कुल अटेम्प्ट देने नहीं। चले गए। हाँ बिल्कुल, एज एन एक्सपीरियंस कि मुझे कितना आता है। और ये तो मैं क्लास में हमेशा बोलती थी कि जो भी जून टारगेट कर रहे हैं वो फेब मार्च का फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपका अभी यस क्लियर हो जाए मैम, आपको जून अटेम्प्ट तक जाना ही ना पड़े, है मैम ना? आप मुझे याद है आपने एक बार बोला था कि ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान के प्रसाद तो ना नहीं कहते। तो मैंने भी ये इसीलिए, क्योंकि मैम यू नो कि जैसे लास्ट 2 ईयर से ओनली वन अटेम्प्ट काउंट हो पा रहा था, रेगुलरली 2 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे यू कैन से कि मैम मेरा लकी था कि तो मुझे 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, जैसे फेब, बिल्कुल एक राजस्थान सेट, फिर जून अटेम्प्ट और एक फिर दिसंबर अटेम्प्ट। तो मैम लक ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आई मस्ट से। डेफिनेटली और आपकी इस मैसेज से आई थिंक हमारे सब व्यूअर्स को ये बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है कि अटेम्प्ट कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए, सब अटेम्प्ट दे बिल्कुल के आओ। मैम, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि अगर मान लो आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में भी होता है, देन इट रियली डजंट मैटर कि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, फोर्थ में हुआ, डजंट मैटर। लेकिन अगर फर्स्ट में हो जाता है वो लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि और भाई अगर नहीं भी बताना। होता है मैम, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्चना, हम हमारे सारे व्यूअर्स को जो है आप अपने फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। यस मैम, एक्चुअली मैम आई कम्स इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर रन्स अ बिजनेस इन अ यू नो ग्रेन मर्चेंट, ही डील्स इन ग्रेन मर्चेंट एंड ही इज अ बिजनेसमैन। आई वाज ओनली इन 12th क्लास व्हेन ही पास्ड अवे। सो वी आर 4 siblings, वी आर 3 sisters एंड आई हैव अ ब्रदर, यंगर ब्रदर। सो एक्चुअली वी आर ऑल इन अ एजुकेशन एजुकेशन बैकग्राउंड। एक्चुअली माय आई हैव 12 younger sisters हु आर आल्सो डिड बीएड एंड एमए, एंड वन ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो क्वालिफाइड नेट फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, सो शी ओके इंस्पायर ओके मी वेरी मच। या एंड माई यंगर राइट ब्रदर इज ऑल्सो वर्क इन अ यू नो एजुकेशन कोचिंग, अ लीडिंग एजुकेशन कोचिंग, आकाश। अच्छा, सो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। या ही इज एक्चुअली मैक्स फैकल्टी देयर फॉर आईआईटी जेईई जेईई स्टूडेंट्स। सो एक्चुअली दैट्स व्हाई आई कैन से आई बिलोंग्स टू यू नो अ एजुकेशन फैमिली। सो राइट राइट everyone inspired me also very much. But you know, ma'am, earlier I did my graduation in BCA. I did BCA earlier. मतलब आपका Because you इंग्लिश know, लिटरेचर में तो बैकग्राउंड ही नहीं था। हाँ अर्लियर नहीं था, मैंने 12th तक आर्ट से किया, पर तब भी मेरे सब्जेक्ट हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल थे। फिर देन मेरी सिस्टर्स वगैरह ने यू नो कि कंप्यूटर का टाइम है, तब कंप्यूटर से नॉलेज होनी चाहिए, तो उन लोगों ने मुझे कंप्यूटर में बीसीए में एनरोल करवा दिया। 3 years मैंने वहां पढ़ा, बट मैम यू नो माई फर्स्ट लव इज ऑलवेज इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश हमेशा से बहुत ही अच्छी लगती थी, तो मुझे पता नहीं समहाउ लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपना सब्जेक्ट ही प्रिफर किया और फिर मैंने दोबारा बीए किया एंड देन आई एम डूइंग माई मास्टर्स। मैम मेरे एग्जाम्स अवेटेड है अभी मास्टर्स के, और उसी के साथ मैंने ये अटेम्प्ट किया है। बिल्कुल रिजल्ट आ गया, इससे बड़ी तो खुशी की बात होती नहीं है कि मास्टर्स कंप्लीट हुई नहीं और बिल्कुल, नेट पहले ही अभी क्वालिफाई। नहीं हुई मास्टर्स, अभी वही अवेटेड है। नहीं, वही कह रही हूँ कि मास्टर्स हुई भी नहीं अभी और नेट पहले ही हाँ क्वालिफाई हो जाए, ये बिल्कुल तो मैम, बहुत ही बढ़िया बात बिल्कुल रहती है। ठीक है अर्चना, तो मतलब आपकी पूरी फैमिली जो है ये एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही थी, और आपका जो
एकेडमिक बैकग्राउंड था, वो कह रहे हो बहुत टाइम से लिटरेचर में नहीं था लेकिन लिटरेचर के लिए प्यार था. प्यार और ये था। तो कल असित का इंटरव्यू था जिनका JRF क्वालिफाई हुआ है, उन्होंने भी यही बात बोली, कहते कि मैम इंग्लिश लिटरेचर से प्यार होना चाहिए ना, तभी आप इतनी पढ़ाई कर सकते हो, वरना जितना वास्ट ये सिलेबस है उतनी पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती है. तो पहले ये बताओ, जब सबसे पहले सिलेबस खोल के देखा तो एक बार डर तो लगा होगा कि यार इतना सारा, इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर होगा. बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतलब सोचा है कि मैं बेवकूफ शायद कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक बार तो ये भी लगा कि मतलब इतने लोग जो प्रिपेयर करते सालों से, उनका नहीं हो पाता, मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है मेरे पास, और इंग्लिश मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट है ये। दो मुझे इंग्लिश से प्यार है, बट सिलेबस तो बहुत है मैम, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर सडन मैंने थोड़े से यूट्यूब वीडियो देखे, फिर मैं हटसर की बुक लेके आई, मैंने सोचा चलो सेल्फ स्टडी करते हैं, बट मैम सेल्फ स्टडी से मतलब वो इंटरेस्ट बिल्ट नहीं हुआ मुझे कि मैं पढ़ती जाऊं उस चीज को, नहीं लगा मुझे कि यार बुक से तो नहीं काम चलने वाला। फिर मैंने कहा चलो यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो तो, एंड इन दैट मैम आई गॉट फ्रॉम योर वीडियो, और मुझे फिर रियलाइज हो गया था कि हाँ मैम से एनरोल करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, वहां मुझे करना ही पड़ेगा अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो। मैम फर्स्ट वीडियो के बाद आई अश्योर्ड माई सेल्फ। तो आपको मतलब वो जो एक स्टोरी आपने, मतलब आप यही हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि लिटरेचर को जितना ज्यादा स्टोरी टेलिंग और स्टोरी के फॉर्म में लर्न किया जाए उतना ही बेटर है, बिल्कुल क्योंकि लर्न भी बिल्कुल इजी होगा, है ना. हाँ मैम बिल्कुल, कोई ट्रिक हो किसी चीज से आप कनेक्ट करोगे ना, तभी वो आपके माइंड में रिटेन रह पाएंगी, वरना क्यों, बिल्कुल सिलेबस इतना वास्ट है, जब आप पढ़ते हैं तब तो आपको सब अच्छा लगता है, सब याद भी रहता है, बट ओवर द टाइम आप अलग अलग और चीजें पढ़ रहे हैं तो फिर वो रिटेन नहीं रह पाता माइंड में। बिल्कुल सही बात है. और पेपर 1 पेपर 2 दोनों अपने आप में अलग पेपर्स हैं, दोनों को लेके अप्रोचेस भी अलग रहती हैं. आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा था और आपने अपनी वीकनेसेस पे कैसे काम किया? पेपर 2 पेपर स्ट्रॉन्ग टू था. है मेरा, मतलब स्ट्रॉन्ग मैम मैं कह सकती हूँ, मुझे कभी भी कोई चीज बुरी नहीं लगी कि यार ये क्यों है इसमें मुझे। हाँ शुरू में जैसे लिटरेचर थ्योरी है, कल्चरल स्टडीज है, वो मेरे लिए नए थे, मैंने कभी पढ़े नहीं थे, तो शुरू में मुझे लगा यार ये क्या है, ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या, बट फिर आपके वीडियो देखे, कल्चरल स्टडीज मैंने आपसे ही शुरू किया, जितने भी वीडियो देखे मुझे अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता गया कि अरे हाँ ये मेरे ही फील्ड का है, अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो बिल्कुल मतलब और ये मैम एक्सपेक्टेड है कि इतना ही पढ़ना है आपको, कुछ ही बिल्कुल. थियरीज पे उनको अच्छे से पढ़ लो, उन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं, तो उन्हीं से। कल्चरल स्टडी से कितने क्वेश्चंस बन गए थे आपके जब आपने यूट्यूब वाली क्लास ली थी उससे? मैम मेरे पता है, बस मेरा वही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ जो मैं नहीं करके गई थी, सीसीसीएफ वाला था ना। CCCS वाला, हाँ वो तो हाँ रिपीटेड मैम क्वेश्चन आपने है. करवाया था, हाँ हाँ आपने करवाया. करवाया था, और मैं कॉन्फिडेंस में रह गई कि अरे ये थोड़ी पूछेंगे, इतना और कुछ पूछने को है ये नहीं पूछेंगे, और मैं मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि जब मैं वहां गई और मेरा गलत करके आई मैं क्वेश्चन में, मुझे शायद JRF हो बहुत जाता. रिग्रेट, पता नहीं शायद ऐसे तो बहुत मुझे मैम JRF तुक्के भी बहुत लगे हैं ऐसे वो तो। भी अच्छा. स्मार्ट तुक्का मैं क्लास में हमेशा बताती हूँ, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताओ ये स्मार्ट तुक्का, मतलब सुनने में मुझे नहीं लगता कोई भी और एजुकेटर कभी बोलेगा कि तुक्के लगाओ, बट मैं ये नहीं बोलती तुक्के लगाओ, मैं बोलती हूँ स्मार्ट तुक्के लगाओ. और उनकी मैं टेक्निक्स भी क्लास में बिल्कुल सिखाया करती मैम थी. एक्चुअली आपने आपको उसका कैसे? कहीं ना कहीं से आइडिया होना चाहिए, आपको अर्लियर आपके गट सेंस पता बोलने चाहिए, मतलब कि हाँ समहाउ ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं सब कुछ आपको आता है, सब कुछ तो नहीं आता आपको, बट समहाउ आपकी गट फीलिंग बोलती है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, कोई ना कोई वीडियो था ऐसा, उसपे समहाउ इसमें इनमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर जो नेम्स हैं उनमें से आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए शायद, बिल्कुल. और तो कहीं ना इस कहीं तरीके से जो मेरी, आप बोलते हो ना कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस हाँ, सब सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज होती है आपके. वो बता देता है। बिल्कुल हाँ मैम वो होता है वाकई कि आपको बिल्कुल लगता है कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया कहाँ कुछ याद होगा, बट जब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है या फिर थेरिस्ट का नाम आता है या राइटर आता है ना, तो आपको लगता है और तो मैंने नहीं पढ़े हुए, चलो एटलीस्ट इस पे लगा देते हैं, ये बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल. मैंने पढ़ा हुआ है, इसका नाम और सुना हुआ लग रहा है वैसे भी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो इतना गेस वर्क वो बड़ा आराम से आप कर सकते हो, वहां जाके आप मैम, रिस्क ले ये सकते बहुत हो. बड़ा प्लस पॉइंट है। यस मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब जैसे मुझे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, जैसे राजस्थान में आने वाली है, तो मैम मुझे लगता है कि मुझे वो सोच समझ के वहां पर टिक करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, इस बार के पेपर में जैसे इसमें ये क्रोनोलॉजी बेनिफिट से है बच्चों बहुत, को इस बार पेपर में क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत आपने बहुत उनको कैसे टैकल किया? बहुत क्वेश्चन। एक्चुअली मैम जैसे रिवीजन PYQs वगैरह ये सब चीजें हैं कि इससे आपका अच्छा होल्ड हो जाता है कि उस तरह के क्वेश्चंस पर, तो जो भी आपने करवाया जैसे मैम मिडिल थॉमस मिडिलटन वगैरह के जो वो पूरा था ना, जितने भी राइटर्स थे उसमें से क्वेश्चन बना भी था,
तो जैसे आपने बोला था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही करने हैं, तो अगर आप किसी में बोलते थे ना मैम, मैं मोर देन वंस को रिवाइज करती थी, और जैसे बहुत पेपर से जस्ट पहले, मैं आपको क्या बताऊं मैम, मैं जाते जाते उस चैप्टर को, उस वाले उसको देख के गई थी, और वो सामने था पेपर में, तो मैं बता नहीं ये सकती कितनी खुश थी। मेरे कई, तो और मैम मैं मैंने ये आपको याद है एक रात पहले तक मैं 2:30 बजे तक बच्चों को ग्रुप पे नोट्स भेज रही थी, और मैंने ये बोला था, मैंने कहा इसको स्ट्रेस से नहीं पढ़ना, तुम बस ट्रेन जैसे भी जा रहे हो ना इसको गो थ्रू कर लेना, तुम देख लेना एक दो क्वेश्चन इन नोट्स में से बन जाएंगे तुम लोगों के, सारे मैम तो बहुत मॉडर्न एज क्वेश्चन से बने, भी जैसे बहुत बिल्कुल बने मैम। मतलब मुझे इसीलिए लगा कि मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी तैयारी कर ली थी, या फिर मैं लकी थी कि मैंने जो पढ़ा उसी में से आया, बट पेपर टफ नहीं था मैम। मैंने आते थे आपको भी रिव्यू दिया ग्रुप में कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, अगर कहीं कमियां रही है तो मेरी कमी रही है, क्योंकि टाइम नहीं था मैम उतना प्रिपेयर करने का, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे उतना आइडिया नहीं था, वरना शायद वाकई हाँ मेरा पेपर और अच्छा जाता। चलो नेट तो क्वालिफाई हो गया। आप दिन में कितना घंटा पढ़ते थे आप, मतलब मैम स्पेशली जिनका इंग्लिश में बैकग्राउंड नहीं है आप? अराउंड खुशी होती थी 5 to 6 hours एटलीस्ट डेली बेसिस, और उसमें मेरा फोकस ज्यादातर मतलब जैसे ब्रिटिश तो आपने बहुत अच्छे से कवर करवा दिया था, और नॉन ब्रिटिश के लिए टाइम नहीं बचा था अपने पास, क्योंकि बिल्कुल सडन बिल्कुल अटेम्प्ट आ गया था मैम, अपन लोग जून टारगेट कर रहे थे, तो जी मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि आपकी कोचिंग से मेरा टाइम नहीं है अपने पास को करने के लिए, तो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी यूट्यूब वगैरह से जो भी मुझे लगता था, जैसे मैं बुकर प्राइज हुआ, जैसे नॉन ब्रिटिश है तो बुकर प्राइज जीता है, किसी ने नोबेल प्राइज जीता है, तो मैं कोशिश करती थी उन राइटर्स को पहले पढ़ लूं, क्योंकि उनमें तो राइट चांसेस ज्यादा है आने के, और बिल्कुल जैसे वैसे ही इंडियन राइटर्स में भी यही था कि जैसे है ना जो 3 पिलर्स है हमारे, या फिर जो किसी ने कुछ कुछ भी अवार्ड जीता है जैसे पद्म पुरस्कार, या फिर उनको पढ़ने की मैंने ज्यादा कोशिश करी, और मैम जी वो मेरे सक्सेसफुल रही स्ट्रेटेजी वाकई कि हाँ मोस्टली बिल्कुल क्वेश्चन उन्हीं में से निकले। बिल्कुल। और कितने घंटे दिन में रिवीजन किया करते थे, मतलब रिवीजन की आपको क्या वैल्यू लगी इस प्रिपरेशन में? बहुत मैम रिवीजन अगर नहीं हुआ ना तो जितना पढ़ा सब बेकार, क्योंकि आप इतना पढ़ते हो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब लगता है हाँ पढ़ा हुआ है, बट आप श्योर नहीं हो पाते उसमें कि अरे यार यही था क्या, ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, वो कंफ्यूजन बना रहता है मैम अगर रिवीजन नहीं किया तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अर्चना, रिवीजन में तो टाइम देना पड़ता है 1 to 2 hours तो दो ही सही एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो कोई तीन चीजें मुझे याद करके बताओ जो मैंने क्लास में आपको कोई टिप्स दिए हो और आपको फिर पेपर में लगा यार ये तो सही, मतलब ये तो कर ही लेना चाहिए मैम और सबसे आपको फायदा सबसे भी दिया। पहले तो यस मैम सबसे पहले तो स्मार्ट स्टडी, पेपर ओरिएंटेड स्टडी, कम पढ़ो पर यू नो क्वालिटी का पढ़ो, क्योंकि मैम जैसे मैंने अर्लियर भी बोला मैं पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ, बहुत मुझसे भी बहुत पढ़ा नहीं जाता है मैम, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि कम पढ़ूं पर ऐसा पढ़ूं कि मेरे मेरा काम हो जाए, मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो मेरी स्ट्रेटेजी वही रहती थी, जैसे जो इम्पोर्टेंट है आपकी वीडियोस तो मैं मतलब मैंने सारे पढ़े मैम, जैसे मैंने अगस्त से ज्वाइन किया था आपका बैच तो मैंने हार्डली कोई क्लास आपकी मिस की होगी, और जैसे आप भी जानती मैम कि क्लास में मैं आपको भी परेशान करती थी, मुझे कोई भी नहीं डाउट होता था मैसेज जरूर करती थी मैं मुझे आपको, तो जब मैंने तो आपका मैंने रिजल्ट ग्रुप में देखा मेरे को लगा कि यार ये तो एक्सपेक्टेड सा ही था, ये इसका तो हो ही जाना यस था मैम क्योंकि मतलब। मेरा माइंड में अगर मुझे कुछ डाउट आता था ना, तो इसीलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग कभी प्रिफर नहीं करी मैम, मतलब क्योंकि मुझे तो लगता है टाइम वेस्ट है, एक तो आप वहां जाओ करो बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जैसे ऑनलाइन कई बच्चे होते थे कि आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, मैंने कभी रिकॉर्डेड प्रिफर नहीं करी, वो एक अलग बात है किसी के पास कोई रीजन है टाइम नहीं है तो फिर वो एक हाँ, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं प्रिफर करती थी कि जब आप पढ़ा रहे हो जब लाइव हो आप तभी मैं पढ़ूँ, ताकि मुझे कोई भी डाउट हो कोई कोई भी चीज समझ में ना आए तो मैं आपसे यू नो वन ऑन वन क्वेरी कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जी नोट्स के बारे में बताइए, आपको क्या लगा प्रेपरेशन के ड्यूरिंग नेट जैसे सब्जेक्ट में, क्या नोट मेकिंग जरूरी है या अंडरलाइनिंग से भी काम चल जाएगा मतलब? बिल्कुल नहीं नहीं मैम नहीं मैम मतलब मैम मेरा तो स्ट्रेटेजी यही है कि पहले तो आपके नोट्स जितने भी आपने नोट्स दिए ना वो तो एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो नोट्स मतलब मुझे ऐसे क्रिस्प एंड क्लियर जो आप बोलते हो ना वो सच में मेरे लिए है मैम, मतलब मैं उन्हीं के बेसिस पे ही गई हूँ नेट एग्जाम में, पूरा ब्रिटिश तो मैंने मैम आपसे ही पढ़ा है, फिर नॉन ब्रिटिश टाइम नहीं था तो मैंने जैसे राइटर ढूंढ ढूंढ के मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी शुरू करी नॉन ब्रिटिश की, या फिर जैसे है ना इंडियन राइटर्स है लिट थियरीज वगैरह ये सब, तो कि जो भी इम्पोर्टेंट है यूट्यूब से टेलीग्राम से जहां से मुझे अच्छे राइटर अच्छे चैनल्स मिले मैम उनको जी पढ़ के नोट्स बनाए खुद के, फिर उनको मोर देन वन बार बार रिवाइज किया मैम बिल्कुल। इस तरह से। 10 चीजों को एक एक बार करने से बेहतर है एक चीज को 10 10 बार करो, ये मैं हमेशा यस बोलती हूँ मैम अपनी क्लासेस में नेट के स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। और बस आई थिंक
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके अर्चना, बिकॉज मैं वही, मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी बोला कि अर्चना हमेशा से रेगुलर रही है एंड शी हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी पर्टिकुलर, क्लास में अटेंटिव रही है, सुनती थी अच्छे से, डाउट पूछती थी, तो ये सब चीजें तो इवन यू नो जरूर मैम, होती। मैम ग्रुप में क्विजेस भी लगाते थे, जी, रोज शाम को तो क्विज होती है, मैम बिल्कुल। हाँ, तो मैम मैं क्विज में भी पार्ट लेती थी, तो मतलब मुझे लगता है कि क्विज वगैरह टाइम टू टाइम होती है, तो एक आपको आइडिया भी होता है कि आप कहाँ स्कोर कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उन पे फोकस बिल्कुल कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। पार्टिंग वर्ड्स बता दीजिए Adda 24/7 और मेरी क्लासेस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल सारा? मैम आपके संग तो मेरा एक्सपीरियंस वंडरफुल, मतलब मोर देन आई कांट एक्सपीरियंस माई वर्ड्स कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, और बहुत अच्छी परसेंटाइल से, तो परसेंटाइल भी यूँ नहीं कि हाँ मतलब हो ही गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ मैम कि मैं आपसे समहाउ जुड़ पाई, मुझे पता नहीं कैसे वो लिंक मिल गया और मैंने आपकी क्लास ओपन करके देख ली, वरना नहीं पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो नहीं मच। ये तो मैं अगेन आई से इट्स ऑल अबाउट लक एंड आई विल आल्सो एंड द सेशन विद दीज वर्ड्स ओनली, कि कोई भी टीचर सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता गाइडेंस है, दे सकता है, यस गाइडेंस मैम ही दे सकता है, बिल्कुल अल्टीमेटली वो स्टूडेंट उसको कैसे कर रहा है, उस उन उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है अल्टीमेटली। यस मैम और आपने उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, आपने सब टिप्स को फॉलो किया, बिल्कुल क्लासेस को फॉलो किया, नोट्स को अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़ा, और आज रिजल्ट आपके सामने है अर्चना। और मैं बहुत 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 दिल से मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से रेगुलर थी, तो मैं कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से एक पर्सनल बिल्कुल रिलेशन मैम भी फील, कनेक्ट कनेक्शन हो भी पाए, फील यस कर। मैम, इसीलिए मुझे भी हाँ मुझे वो कनेक्शन बिल्कुल लगता था कि मतलब ऐसे नहीं कि रैंडम किसी चीज को फैकल्टी को देख रही हूँ, मुझे लगता था कि हाँ मैं जैसे क्लास में पढ़ते नॉर्मली वैसे पढ़ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अर्चना अपना टाइम हमें देने के लिए। आई एम श्योर आपकी स्टोरी जो है वो थाउजेंड्स को इंस्पायर करेंगी और इस मिथ को ब्रेक करेंगी कि इंग्लिश नेट क्वालिफाई करने के लिए दो दो तीन दिन अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, या फिर हमें दुनिया जहान का सिलेबस करना पड़ जाएगा इसको पढ़ने के लिए, फिर भी तैयार, फिर भी पेपर मैम बस क्वालिफाई नहीं होगा। लिटरेचर से प्यार होना, अगर आपको लिटरेचर से प्यार है तो हर चीज आपको इजी लगेगी, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। पेपर वन में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरे नया सब्जेक्ट था, वो थोड़ा जी मतलब वैसा था कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं सब्जेक्ट में, बस वो क्वालिफाई करना था मुझे, मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड पेपर 2 पे ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगेन यही बात मैं हमेशा बोलती भी हूँ स्टूडेंट्स को जब मैं यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस लेती हूँ, कि पहले पेपर को ना देख लो, कि पास्ट ईयर पेपर्स को, कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है आपकी। अगर आपको लग रहा है आप अपनी वीकनेस पे ज्यादा वर्क नहीं कर पाओगे, तो स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रांग कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्यूमुलेटिव स्कोर ही बनेगा आपका। तो ये तो एक बहुत अच्छी ट्रिक यस रहती है। मैम थैंक चलिए थैंक यू सो मच अर्चना हमें अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यू, बहुत थैंक यू लोग सो मच मैम, आपसे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग आपसे मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करेंगे। और अब मैं एक स्लोगन के साथ सेशन को एंड और करना मैम एक बात चाहूंगी। और जी कहना चाहूंगी मैं कि जी अब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जैसे, तो बिल्कुल आपको बहुत एक्सपीरियंस है मैम इंटरव्यूज वगैरह का, तो प्लीज गाइड मी मैम कि इंटरव्यू बिल्कुल कैसे बिल्कुल फेस करना बिल्कुल। है। हमारे ऑन दिस पेज अर्चना, मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, हमारा एम सिर्फ आपका नेट या सेट या गेट क्लियर करवाना नहीं है, यस बिकॉज मैम मैं खुद इन प्रोसेसेस से गुजर चुकी हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र में यस मैं मैम गवर्नमेंट जॉब में लग गई थी, मैंने यस वो मैम इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर मैं वो क्वालिटी ऐड कर सकती हूँ आप लोगों की प्रेपरेशन में, जो आपको अपने इन जॉब्स को सिक्योर करने में जरूरी होंगे। तो डेफिनेटली हम आपके साथ इस प्रोसेस में चलेंगे और आप भी यस हमारे साथ मैम, बने मुझे बस रहिए। इंटरव्यू का ही, मैम मुझे लगता है कि मैं पेपर तो कर लूंगी क्वालिफाई, बट इंटरव्यू जी थोड़ा वैसे होता है ना मैम, वो है ना आपकी स्पीकिंग स्किल्स वगैरह के बेस पे होता राइट, है, डोंट थोड़ा वरी सा मुझे डोंट वरी उसका। डोंट वरी, सब यस चीजों में हेल्प हो जाएगी अर्चना। चलिए थैंक यू मैम सो मच अर्चना, हैव अ वेरी गुड डे। और अब अगर आप JRF भी टारगेट कर रही है, तो जून अटेम्प्ट पास ही है, कर और रही हूँ जून मैम, मतलब मैं कर रही JRF, हूँ क्योंकि मैं, क्योंकि जून पीएचडी मैम वैसे भी करना पड़ेगा अपने को, तो मैं सोच बिल्कुल रही हूँ अगर बिल्कुल जेआरएफ के संग पीएचडी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये नया स्लोगन भी हमने शुरू किया है ना, जून मतलब JRF, तो बस इस मोटो के साथ जो है आपने आगे बढ़ना आई है होप ना। सो मैम, चलिए थैंक यू सो मच सभी थैंक यू व्यूअर्स, आई मैम, होप आपको अर्चना की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी होगी, मोटिवेटिंग लगी होगी, इसने आपको फायर से भर दिया होगा, और अब आप अपने जून अटेम्प्ट के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रेपरेशन करेंगे। रोज ऐसी वीडियोस देखने के लिए, इंस्पायर होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए जुड़े हमारे साथ डेली @3 PM ओनली ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ Adda 24/7 UGC नेट एंड JRF। आई एम योर इंग्लिश प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।